सैंडन 507 नंबर। पहले हमारा कंप्रेसर आता था R12 के नाम से, R12 की गैस का कंप्रेसर आता था जो लगभग ऐसा दिखता है, और इस पर मॉडल नंबर लिखा होता है B507। इस कंप्रेसर के अंदर का जो पार्ट्स है वो इस तरह के होते हैं। ये पिस्टन है इसके, 1 2 3 4 5 पिस्टन है, और इसके अंदर ये आयरन स्टील का इसका ब्लॉक होता है। एल्युमिनियम के पिस्टन होते हैं जिसमें स्टील के, आयरन स्टील के रिंग लगे होते हैं, इसलिए कंप्रेसर ज़्यादा सक्सेसफुल होता है ओरिजिनल कंप्रेसर से। ओरिजिनल कंप्रेसर किसी भी गाड़ी का होता है, उसमें क्या होता है कि पूरी बॉडी एल्युमिनियम की होती है, अंदर की जो पिस्टन है और ब्लॉक है वही एल्युमिनियम के होते हैं। जैसे ये देख रहे हो, पूरी बॉडी एल्युमिनियम की है, तो ये जल्दी ख़राब होती है, इसकी लाइफ कम होती है, इसलिए लोग ओरिजिनल कंप्रेसर हटा के, जब ओरिजिनल कामयाब नहीं होता तो सैंडन का कंप्रेसर लगाते हैं। अब उस सैंडन के अंदर भी मार्केट में कई तरह की क्वालिटी आ गई हैं, जैसे कि अब आज की डेट में आपको कंप्रेसर मिलेगा सैंडन का कुछ इस तरह का, ग्रीन स्टिकर में होता है और इस पर लिखा होता है मेड इन सिंगापुर। ये देखिए, मेड इन सिंगापुर यहाँ पे लिखा है। और ये कंप्रेसर जो ओरिजिनल 507 का आता था पहले, वैसा नहीं है, मतलब इसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आप देखेंगे इसमें ये एल्युमिनियम के पिस्टन हैं इसके, और एल्युमिनियम का ही ब्लॉक है, तो एल्युमिनियम जल्दी घिस जाता है आयरन स्टील के मुकाबले। तो आज की डेट में मार्केट में आपको ये कंप्रेसर मिलेगा सैंडन का, जिस पर लिखा है सीरियल नंबर, मॉडल नंबर SD5S11। और अगर आप इसकी बॉडी पे देखेंगे तो बॉडी पे सैंडन का बड़ा सा मार्का है और इस पर लिखा है W507। ये कंप्रेसर आप अगर मॉडिफिकेशन करके किसी भी गाड़ी में लगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एक सीज़न मुश्किल से चल पाएगा, इससे ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं हो पाती, बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि इसके अंदर पिस्टन भी एल्युमिनियम के हैं और ब्लॉक भी एल्युमिनियम का है, और ये जल्दी डैमेज हो जाता है, कट जाता है। अभी जिस तरह से आप कंप्रेसर देख रहे हैं कितना क्लीन है, लेकिन ये ख़राब है। ये देखिए इसके पिस्टन कैसे हिलना है, अगर आप दिखा पा रहा हूँ मैं कैमरे से, तो ये गैप देख रहे हैं आप, ऊपर नीचे हो रहा है, ये कट चुका है ब्लॉक इसका, ये सक्सेसफुल नहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी में सैंडन 507 लगाना चाह रहे हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप इस तरह का कंप्रेसर ओरिजिनल सैंडन का, जो मेड इन जापान आता है, येलो स्टिकर में, जिस पर बॉडी पे नंबर लिखा होता है B507। ये B507 के अंदर आपको आयरन स्टील के ब्लॉक मिलेगा और अंदर के पिस्टन एल्युमिनियम के होते हैं, लेकिन उस पर आयरन स्टील का रिंग लगा होता है, जैसे कि आपकी बाइकों वगैरह में इंजन में दिया होता है, सेम एज इट इज़ अंदर से ऐसा ही है। और अंदर के सारी बॉडी इसकी दमदार है, बहुत अच्छी लाइफ रहती है इस कंप्रेसर की। अगर आप किसी भी गाड़ी में लगाते हैं और यूनिट आपका परफेक्ट है, तो कम से कम 3 से 4 साल 5 साल आराम से निकल जाता है। ये कंप्रेसर कुछ इस तरह का पेंट हुआ मिलता है, B507। ये देखिए, ये कंप्लीट कंप्रेसर है और ये मैंने खोला हुआ है। इसके मैं आपको पिस्टन भी दिखाता हूँ अंदर के कैसे होते हैं, ये देखिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसके एल्युमिनियम के पिस्टन है और इस पर ये स्टील, आयरन स्टील का रिंग लगे होते हैं। ये बेटर है कंप्रेसर इस कंप्रेसर से, W507 सैंडन बड़ा सा मार्का है, 1.3 का कंप्रेसर आता है, लेकिन जो मज़ा B507 में है वो इसमें नहीं है, इसकी लाइफ नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, बस इतना ही मेरे को बताना था, बहुत से